हिमाचल सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के चयन के लिए जारी की गई अधिसूचना के तहत नादौन ब्लॉक की 18 पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें 4 पंचायतों के लोगों के न आने से बैठकें अधूरी रही। बारिश के बावजूद 14 पंचायतों में लोगों ने भी अपनी पूरी दिलचस्पी दिखाई। हिमाचल सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के चयन के लिए जारी की गई अधिसूचना के तहत नादौन ब्लॉक की 18 पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें 4 पंचायतों में लोगों के न आने से बैठकें अधूरी रहीं। बारिश के बावजूद 14 पंचायतों में लोगों ने भी अपनी पूरी दिलचस्पी दिखाई, मगर जिस उद्देश्य के लिए ये आम ग्राम जनसभा का आयोजन सरकार द्वारा किया गया था वह ज्यादातर अधूरा साबित हुआ। हालांकि कई पंचायतों ने अपनी अपनी पंचायतों में कई अपात्र लोगों को बाहर तो जरूर किया, मगर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक जो गाइडलाइन पंचायतों को मिली थी उसके तहत पंचायत प्रधानों ने रुचि नहीं दिखाई और न ही उसके मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई। इस पर कई पंचायतों में लोग पंचायत प्रतिनिधियों से भी भिड़ते हुए नजर आए। इस अधिसूचना में सरकार ने सबसे बड़ी शर्त रखी थी कि गरीबी रेखा की सूची में शामिल परिवार के किसी सदस्य का 1 साल में 20 दिन मनरेगा में रोजगार किए जाना जरूरी है, बशर्ते वे दिव्यांग या 70 साल से अधिक की उम्र का ना हो। व्यक्ति की मासिक आय 2500 मासिक से अधिक ना होकर परिवार आयकर दाता ना हो और चौपहिया वाहन का मालिक ना हो। अन्य और भी कई शर्तों को इस अधिसूचना में जोड़ा गया था। अधिकांश पंचायतों में मात्र इस सूची में पहले से शामिल लोगों से शपथ पत्र तो पंचायत प्रधानों ने ले लिए, मगर किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि लोगों को सरकार की इस मुहिम का समर्थन कर अपात्र लोगों को बाहर किया जाए। मात्र खाना पूर्ति कर सभी ने अपने अपने काम से इतिश्री कर ली। कई पंचायतों में लोगों ने खूब नोकझोंक भी हुई। सरेड़ी पंचायत में लोगों ने पंचायत प्रधान को अपात्र लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्हें बाहर करने को भी कहा गया, मगर प्राप्त सूचना के तहत पंचायत में सरकारी नौकरी पा चुके परिवारों को सूची से बाहर किया गया व उनकी जगह नए लोगों को शामिल किया गया। अन्य पंचायतों में भी इस तरह कार्रवाई और लोगों में खूब गहमा गहमी होने की सूचना मिली। इस मामले पर नादौन ब्लॉक पंचायत निरीक्षक बंसी लाल से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज अधिकांश पंचायतों में कोरम पूरे हो गए हैं, कल तक सभी पंचायतों का डाटा उन्हें प्राप्त हो जाएगा, उसी के आधार पर वे बता पाएंगे कि कितने लोगों को सूची से हटाया गया है।